जम्मू कश्मीर में अब तक राहत के आसार नहीं दिख रहे थे। यहाँ श्रीनगर में तेज बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी कर दी है। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। अब तक इस बाढ़ ने कश्मीर में 17 लोगों की जान ले ली है। यहाँ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब तक राहत के आसार नहीं दिख रहे थे। जहाँ कुछ समय के लिए जो है बारिश थम गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो है श्रीनगर में तेज बारिश जो है दोबारा शुरू हो गई है। और इसी के बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के जो आसार जो चेतावनी दी थी उसे जारी कर दिया है। जी हाँ, कल भी जो है मौसम वैज्ञानिक सोनम लोटो से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि आने वाले समय में, आने वाले 72 घंटे जो हैं आगे के काफी नाजुक हैं और इस टाइम पर जो है बारिश पड़ सकती है। और तो वही बात जो है अब सामने आ गई है और अब बारिश जो है काफी तेज श्रीनगर में देखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी से। जी इरफान, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ताजा स्थिति? बिल्कुल हरनील, मैं आपको बता दूं, जैसे मौसम विभाग की पेशन गोई थी कि अगले आने वाले 3 दिनों में लगातार बारिश गिर सकती है, और उसी तरह फिलहाल जो है बारिश लगातार गिर रही है, और श्रीनगर और श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में भी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो तनाव का माहौल जो है श्रीनगर में बिल्कुल बना हुआ है, और लोग जो है जो लास्ट सेप्टेम्बर में बाढ़ हुआ था उस वजह से इस बार घबराए हुए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों से जो लोग खासतौर पर श्रीनगर से पहले ही इवैक्यूएट हो चुके हैं, और खासतौर पर जहलम के किनारे जो रहने वाले लोग थे उन्हें पहले ही 2 दिन पहले ही निकाला गया था, जब जहलम का जो पानी की जो सतह है वो किसी हद तक जो है इंक्रीज हुई थी। और फिलहाल आपको मैं बता दूं, हालांकि जो एक दिन पहले पानी का जो लेवल था जहलम का उससे बिल्कुल नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश के गिरते ये लेवल हल्का हल्का बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को इसी चीज का जो तनाव है और कहीं ना कहीं उसी के चलते लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस के जो कर्मचारी है उन्हें जहलम के किनारे डिप्लॉय किया गया है ताकि वो जहलम पे लगातार नजर बनाए रखे, और लोगों का ये भी मानना है कि जो ड्रेनेज फेलियर की वजह से वाटर लॉगिंग श्रीनगर सिटी में हो रही है उस वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल और परसों 2 दिन लगातार श्रीनगर के जो पोंछ इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा था रोड पे, वहां से पानी ड्रेन आउट किया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार जो है वाटर लॉगिंग रोड पे शुरू हो गई है क्योंकि लगातार। इरफान से हमारा संपर्क टूट गया है, और इरफान यहाँ बात बता रहे थे कि जो पॉश एरिया से जहाँ पानी भर गया था वहाँ से भी जो है पानी निकालना शुरू कर दिया गया था, और साथ ही साथ पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, और अब जो है बारिश एक बार फिर से जो है श्रीनगर में शुरू हो गई है, और उसके मद्देनज़र जो है हर तरीके की जो है वहाँ पर यह आपको बता दें कि श्रीनगर में बारिश जो है एक बार दोबारा शुरू हो गई है, और इसी के मद्देनजर जो है हर तरीके के यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं, और बारिश को लेकर जो है पुलिस बल भी वहाँ तैनात किए गए हैं। और अगर पानी के लेवल की बात करें तो झेलम नदी के पानी का जो लेवल था वो भी खतरे से नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से जो है एक बार श्रीनगर में बारिश शुरू हो गई है। और साहब खौफ ही खौफ है, यहाँ गिर गए, हमारे मकान अंदर से दब गए हैं, ये खोखला है अंदर, 4 दीवारी है, बाकी बाहर से लग रहा है मकान है, अंदर से खोखले हो गए हैं साहब पानी से। पिछली गवर्नमेंट सोई थी, अब नई गवर्नमेंट है, होप है कुछ उसी, हमें नई गवर्नमेंट पे हमें भरोसा है वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। बहुत प्रॉब्लम है, हमने 2-4 साल से कहा गवर्नमेंट से, इन फ्लड वालों से, ये बंड रेज करो, लेकिन वो मानता ही नहीं है। यहाँ लोगों की बहुत मुश्किलात है, घर में भी पानी है, कोई आता ही नहीं है इधर। पिछले सैलाब आया उनमें से उन्होंने 3800 दिया है, 1250 दिया है, कह के हमने हम पैसे छोड़ेंगे, हम 5 लाख देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।